भारी बारिश के कारण पहाड़ के मैदान तक देश के कई राज्यों में बाढ़ का प्रलय दिख रहा है। बाढ़ से सबसे बुरा हाल असम का है। असम के ज्यादातर जिले बाढ़ की चपेट में हैं। असम में बाढ़ से 100 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं नेपाल में हो रही भारी बारिश बिहार के लिए काल बन गई है। नेपाल से आ रहे पानी के कारण बिहार के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, वैशाली, सीतामढ़ी और दरभंगा में कई जगहों पर पानी भर गया है। भारी बारिश का असर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसी पहाड़ी राज्यों में भी दिख रहा है। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी नदियों का पानी खतरे के निशान को पार कर गया है। बाराबंकी में सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नेपाल से लगातार छोड़ा जा रहा पानी कई जिलों में खतरे की घंटी बजा रहा है। वहीं देश के उत्तरी राज्य बाढ़ से बेहाल हैं और इन सबके बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से अपील की है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट के जरिए कार्यकर्ताओं से कहा कि असम, बिहार और उत्तर प्रदेश में आई भारी बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लाखों लोगों पर संकट के बादल छाए हुए हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए हम तत्पर हैं। आप अकेले नहीं हो। मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं व नेताओं से अपील करती हूं कि प्रभावित लोगों की मदद करने का हर संभव प्रयास करें। बातचीत के लिए जुड़ते हैं कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत से। सुरेंद्र जी, जिस तरह से बाढ़ से बेहाल पूरा हिंदुस्तान के कई कई जगहों पर नजर आ रहा है, उत्तर भारत की बात करें, खासतौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, यहां पर कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी चिंता जताती हुई और अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से अपील करती हुई कि जाएं और इन लोगों की मदद करें, जो इस समय बहुत जरूरी है। देखिए रितिका, असली राजनेता का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं होता है, सत्ता के जरिए समाज की व्याप्त व्याधियों को दूर करना होता है। और श्रीमती प्रियंका गांधी की एक सफल और सही राजनेता की तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है। आज अपने कार्यकर्ताओं से भी कह रही है कि जाइए, बाढ़ पीड़ितों की मदद कीजिए। हम भारतीय जनता पार्टी की तरीके से नहीं है कि असम में बाढ़ आई है और राजस्थान में हम सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। जी, तो आपका कहने का मतलब है कि जो सरकार को जिन जगहों पर काम करना चाहिए वहां पर नहीं हो रहा है और विपक्ष बल्कि इस पर स्टैंड लेता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, चाहे असम में हो, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने ही नहीं, श्री राहुल गांधी जी ने भी आज से 3 दिन पहले अपने सारे कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया था असम के, कि जहां जहां पर भी बाढ़ के हालात खराब हैं वहां पर लोगों की मदद करें। बहुत भयावह स्थिति है बाढ़ की, असम हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, सारी जगह पर श्रीमती प्रियंका गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी सहित पूरी कांग्रेस डट करके हमारे कार्यकर्ता वहां पर बाढ़ पीड़ितों की मदद भी कर रहे हैं और इस आह्वान के बाद और दूने जोर से लग रहे हैं। जी, तो बाढ़ से बेहाल लोगों की यहां मदद करने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं से अपील की है एक ट्वीट के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।